हेलो स्टूडेंट्स, सोशल साइकोलॉजी में आज हम अभिवृत्ति का मापन या मेजरमेंट ऑफ एटीट्यूड का अध्ययन कर रहे हैं। ये आपके यूनिट थर्ड का टॉपिक है। विद्यार्थियों, हमने अभिवृत्ति का अध्ययन किया था और अभिवृत्ति व्यक्ति का एक दृष्टिकोण है, एक पॉइंट ऑफ व्यू है जिसके कारण वह किसी वस्तु, व्यक्ति, संस्थाओं, परिस्थिति आदि के प्रति किसी विशेष प्रकार से व्यवहार करता है। तो व्यक्ति का वह दृष्टिकोण जिससे कि वह किसी भी व्यक्ति या वस्तु के प्रति एक विशेष प्रकार से स्पेसिफिक जो है बिहेवियर करे, उसे हम अभिवृत्ति कहते हैं। अभिवृत्ति नेगेटिव भी होती है और पॉजिटिव भी होती है, ऋणात्मक और धनात्मक दोनों होती है। और अभिवृत्तियों को हम एक्वायर करते हैं, ये जन्मजात नहीं होती। अब ये जो अभिवृत्तियां हैं, इनका मापन किस प्रकार किया जाता है, इसका अध्ययन हम आज के अध्याय में करेंगे। अभिवृत्तियों के मापन की जो प्रविधियां हैं वह निम्न प्रकार हैं। पहली अभिवृत्ति की स्केल है थ्रस्टन युग्म तुलनात्मक विधि। ये एक स्केल है एटीट्यूड मेजरमेंट करने की, और यह स्केल जो है वह थ्रस्टन ने बनाई थी। इस विधि का विकास सन 1972 ईस्वी में थ्रस्टन ने किया था। थ्रस्टन ने युग्म रूप से कुछ कथनों की सूची तैयार की और छात्रों से प्रत्येक जोड़े में दिए गए कथनों में से उसकी सहमति किसके साथ है या उसकी असहमति किसके साथ है, यह जानने का प्रयास किया। तो विद्यार्थियों, इस विधि में थ्रस्टन ने स्टेटमेंट्स या कथनों की सूची तैयार की और इनके पेयर्स बना दिए और फिर विद्यार्थियों से या छात्रों से उनकी सहमति या असहमति किस स्टेटमेंट या कथन के साथ है, यह जानने का प्रयास किया। इस विधि में प्रत्येक कथन को किसी अन्य कथनों के साथ जोड़कर युग्म तैयार किया गया, साथ ही समस्त जोड़ों के संबंध में उनकी सहमति या असहमति पूछी जाती। इस प्रकार इस विधि में व्यक्ति को एक ही समय में दो कथनों के जोड़ों या पेयर के रूप में विभिन्न मिश्रणों के साथ तुलना करनी होती है। तो यहाँ पर जो कथन है उनको पेयर्स में दिया गया और इन कथनों को विद्यार्थियों से उनकी सहमति या असहमति जो है वह पूछी गई, तथा व्यक्ति के को दोनों कथनों का के प्रति अपना निर्णय देना होता था। तो जो भी कथन पूछे गए पेयर में और उन कथनों को दूसरे कथनों के साथ रख कर विद्यार्थियों की सहमति और असहमति पूछी गई, इस विधि को अभिवृत्ति मापन का श्रेष्ठ विधि माना गया है। नेक्स्ट जो विधि है वह है थ्रस्टन तथा चैव की समदृष्टि अंतर्विधि। इस विधि के प्रतिपादक थ्रस्टन तथा चैव हैं। इस विधि में कुछ कथन होते हैं किंतु उनकी संख्या अधिक होती है। यहाँ पर भी स्टेटमेंट्स है, पर यहाँ पर जो स्टेटमेंट्स है उनकी जो संख्या है वे अधिक है। कथन जोड़ों में ना होकर स्वतंत्र रूप से हैं। जो हमने थ्रस्टन की स्केल का अध्ययन भी किया, उसमें जो कथन छात्रों को दिखाए गए वे जोड़ों में थे या पेयर्स में थे, परंतु यहाँ पर जो कथन होते हैं वे इंडिपेंडेंटली या सिंगल दिए गए। प्रत्येक प्रश्न पर व्यक्ति की प्रतिकूल, अनुकूल तथा तटस्थ स्थिति की सहमति पूछी जाती है।
पिछली जो विधि थी उसमें प्रतिकूल और अनुकूल दो ही रेस्पॉन्स मेजर्स रखे गए, परंतु इस विधि में प्रतिकूल अनुकूल तथा तटस्थ स्थिति की सहमति पूछी जाती, और यह जो सहमति या असहमति थी वह 11 बिंदुओं वाले निर्धारण मापनी पर पूछी गई। तो यह सहमति और असहमति जो पूछी जा रही थी उसमें 11 बिंदु दिए गए, उस पर विद्यार्थी को या सब्जेक्ट को अपना निर्णय देना था। लिकर्ट योग निर्धारण विधि, इस विधि का प्रतिपादन लिकर्ट ने किया। उन्होंने देखा कि थ्रस्टन तथा चैव की समान उपस्थिति अंतराल विधि में समय कम या बहुत अधिक लगता है, साथ ही इसमें पूर्ण प्रशिक्षित व्यक्तियों की आवश्यकता होती है, यह काफ़ी कठिनाई वाला कार्य है। तो लिकर्ट ने एक सरल विधि का निर्माण किया। तो जो थ्रस्टन की स्केल थी उसमें कुछ कमियां थी, तो लिकर्ट ने उसे मॉडिफाई करते हुए दूसरी स्केल बनाई जिसे हम लिकर्ट योग निर्धारण विधि कहते हैं। इस विधि में भी निर्धारण मान का प्रयोग किया जाता है, किंतु इसमें निर्धारण मान 11 बिंदुओं के स्थान पर केवल 5 ही बिंदु पर रखे गए। तो जो कि लिकर्ट विधि में 11 बिंदु थे उनको, सॉरी थ्रस्टन विधि में जो 11 बिंदु थे उनको मॉडिफाई करते हुए लिकर्ट ने 5 बिंदुओं वाली स्केल बनाई, जिसमें जो 5 बिंदु थे जिसमें सब्जेक्ट को रिस्पॉन्स देना था वह था पूर्ण सहमति, सहमति, अनिश्चित, असहमत और पूर्ण असहमति। नेक्स्ट जो विधि है मेजरमेंट करने की एटीट्यूड वह है सफीर क्रमबद्ध अंतर विधि। इस विधि पर भी थ्रस्टन ने ही सर्वप्रथम कार्य किया था, परंतु इसका जो व्यापक प्रचार है वह सफीर ने किया, इसलिए इसे हम सफीर क्रमबद्ध अंतर्विधि कहते हैं। इस विधि में कथन बहुत अधिक मात्रा में होते हैं तथा कथनों को क्रम अंतर में मापा जाता है। जो क्रम अंतर होते हैं उसमें मापा गया कथनों को, और इसमें भी कथन जो थे बहुत अधिक मात्रा में थे। प्रत्येक कथन की आवृत्ति विवरण यह बताता है कि कथनों की कितनी पुनरावृत्ति हुई है। नेक्स्ट एटीट्यूड मेजरमेंट की स्केल थी गटमैन स्केलग्राम विधि। गटमैन ने सर्वथा एक नई विधि का प्रतिपादन किया, और इस विधि में भी कथनों को जोड़ों में दिया गया। जैसे थ्रस्टन की विधि में कथनों को पेयर्स में दिया गया, उसी तरीके से इसमें भी जो स्टेटमेंट्स थे उनको पेयर्स में प्रेजेंट किया गया। सहमति की मात्रा जितनी अधिक होती होगी अभिवृत्ति अंक उतने ही अधिक होंगे। तो जितना सब्जेक्ट सहमति किसी स्टेटमेंट के लिए बताएगा उतनी ही उसकी अभिवृत्ति जो है वह अधिक होगी। इस विधि में व्यक्ति के कथनों के बारे में केवल सहमति या असहमति ही पूछी जाती। इसमें सिर्फ दो ही रिस्पॉन्स मेजर रखे गए, सहमति और असहमति। सहमति की स्थिति में 1 अंक तथा असहमति की स्थिति में 0 अंक प्रदान करके सबका योग करके कुल अभिवृत्ति अंक प्राप्त